C706 का जी, बैरल का पार्ट है, बैरल, उसका ब्लेड, डोर हैंडल, डोर गास्केट, डोर, ये पंप की है क्या, इसे बोलते क्या, पंप की फिट ट्यूब, और ये पंप का ये उसे असेंबल करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, असेंबल पंप करते, पकड़ो सबसे पहले पंप करते हैं, ये लो लो, और यहाँ पंप में लगा, उसके बाद ये लाल वाला रिंग जो होता है खाली लाल वाले रिंग में लगानी होती है, उसके बाद खाली किसी और लो और ये इसमें लगा, लगा दिया। उसके बाद ये ब्लैक वाली रबड़ लो, जो होल बंद है और जो ये निकला हुआ है इसको इसमें लगा कर इसमें बैठा दो, अच्छी तरह बैठ गया। उसके बाद ये कट वाला निशान देखो, ये वाला देखो, उसको अंदर बैठा दो, जो होल से होल मिल गया। अब ये वाला कट देख लो, ये वाला कट निकला हुआ हल्का सा, ये यहाँ कट है, इसको इसके अंदर बैठा दो, बैठ गया। उसके बाद ये इसको लॉक लगा दिया, आवाज आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये ल्यूब यहाँ लगाते हैं, ये पंप की साफट है, इसमें लगा दो, थोड़ी बहुत इसमें लगा दो, लगा दिया जी। उसके बाद पंप की ट्यूब है, ल्यूब हमेशा लाल वाले ओरिंग पे लगती है बस, और कहीं नहीं लगती, ये लाल वाली है इसमें लगा दो हल्की सी, इसमें लगा दो, और ये काली वाली इसमें लगा दो, पंप लगाया, पंप का लॉक लगा दिया, क्या बोलते हैं, ड्राई सापर, ड्राई सापर पेल के लगा देते हैं ताकि मिक्स ना निकले अपना, ये इसके अंदर लग के पक देनी आवाज आएगी और ये लॉक लग गया, तो समझ लो ये लग गई। उसके बाद ये बैरल है, ये इसकी धार देखनी, धार है कि नहीं, इसमें है हल्की सी, ये इसमें लगा दिया, ये इसमें लगा दिया, ये दोनों धार ये इसमें लगा, ठीक है, ऐसे बैठ गया। उसके बाद एक्स्ट्रा लूप हाथ में जाएगा, उसमें दो हैंडल में लगा लो, ये ब्रेक शू बोलते हैं इसको, ये ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक का काम करते हैं ताकि कटे ना, ये जहाँ लगता वहीं लगेगा, इधर का उधर नहीं लग सकता, तो उसको यहाँ लग गया, अब इसको घुमाओ, हाँ फिट हो गया, पूरा पीछे तक दे दिया फिट। उसके बाद ये है पुश हैंडल, इस पर काली वाली रिंग लगाया और ये नीचे से नहीं जाएगा, इसलिए ऊपर से डाला, ये कटिंग डाली, ये लग गया। उसके बाद ये गास्केट इसके ऊपर बैठाई, उसके ऊपर ये बैठाया, ये प्राइम प्लग है, इसमें रबड़ मैंने क्या करा सब कुछ है, इसके अंदर एक रबड़ मिसिंग है, वो रबड़ भी होनी चाहिए, वो गास्केट लेके फिर ये यहाँ लगाएंगे, अभी बाद में लगा देंगे, उसके बाद उसको यहाँ एक रिंग चाहिए, हाँ हाँ ये हो गया। उसको ये हैंडल डोर के लॉक, बड़ा वाला हाथों पर रखता है, छोटा वाला नीचे रखता है, एक इधर लगाएंगे, एक इधर लगाएंगे,
क्रॉस साइड भी मत करना, क्रॉस साइड में बस बस के ये बना रहा है बस ये बीच बीच में कस्टमर बहुत परेशान करते हैं। लेकिन कस्टमर हमेशा गलत टाइम पे आता है। कस्टमर और भगवान कभी टाइम बता के नहीं आता, ये भी कहावत सच है। जो हैंडल है इसकी हमेशा ढाई चूड़ी बाहर निकाल के रखते हैं, इससे इसकी स्पीड ऑफ हो जाए। ये लग गया जी, ये अपना मशीन ऑफ हो गई, ठीक है ना। ये मशीन C708 असेंबल हो चुकी है। मैंने नहीं खोला, नहीं खोला पहले ही खोला हुआ।